नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं बचपन से भोले का पुजारी, डमरू का मुझे जोग लगा। रोया नहीं कभी शिव भक्ति में, शिव चरणों का मुझे रोग लगा। दोस्तों, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ, हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले पर आप अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना और उनकी सभी मनोकामना को पूरा करना। हे भगवान, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। ओम नमः शिवाय। एक गांव में राजू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कमला और दो छोटे बच्चे थे। राजू बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। राजू के पास खेत भी नहीं था कि वो खेती से ही कुछ अनाज उगा सके। कुछ दिनों से उसे काम नहीं मिल रहा था। घर का राशन भी खत्म हो चला था। शाम के वक्त कमला राजू से बोली, आज पकाने के लिए कुछ भी राशन नहीं है, आपको काम क्यों नहीं मिल रहा है? हम तो बिना खाए भी सो जाएंगे, लेकिन इन बच्चों को भूख से तड़पता नहीं देखा जाता है। अगर आपको काम नहीं मिला तो हम भूखे मर जाएंगे। ये सारी बातें बोलते बोलते उसकी आंखें नम हो गई। राजू बोला, मैं रोज ही काम के लिए बाहर जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिलता है। लगता है भगवान भी हमारी परीक्षा ही ले रहे हैं। कमला की रसोई में केवल चावल बचे थे। चावल और नमक को पानी में डालकर खिचड़ी बना देती है, जिसे खाकर पूरा परिवार सो गया। अगले दिन सुबह कमला के दरवाजे पर एक भिक्षुक भीख मांगने आया। कमला उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहती थी। उसने सुबह बच्चों को खिलाने के लिए चने भीगा रखे थे, उन्हीं चनों को उस भिक्षुक को दिए। साधु से क्षमा मंगाते हुए बोली, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे घर में इन भींगे चनों के आला कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे पति को कोई काम नहीं मिल रहा है, हमारा जीवन बहुत कठिन वक्त से गुजर रहा है। मैं आपको खाली हाथ नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए ये चने दे रही हूँ, कृपया आप इन्हें ग्रहण कर ले। भिक्षुक साधु ने सुझाव दिया, कल से श्रवण मास प्रारंभ हो रहा है और कल सोमवार भी है, तुम सावन के सोमवार का व्रत रखना और अपने पति से बोलना, कांवड़ यात्रा कर गंगा नदी के पानी से जब भोले बाबा को स्नान कराएगा तब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। कमला बोली, महाराज हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो वो कांवड़ यात्रा करने का सामान कैसे खरीदेंगे? साधु बोला, भोले बाबा पर विश्वास रखो, सब सही कर देंगे। राजू उस दिन भी निराश घर आया, क्योंकि उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। कमला ने साधु बाबा की सारी बात राजू से बताई। राजू बोला, ठीक है तुम व्रत रखना, मैं कांवड़ लेकर हरिद्वार से गंगा जल लाऊंगा और भोले बाबा को चढ़ाऊंगा। उस दिन पूरे परिवार को भूखे ही दिन गुजरना पड़ा। अगले दिन सोमवार था। कमला ने व्रत रखा और पूजा करने भोले बाबा के मंदिर चली गई। उधर राजू भी काम की तलाश में बाजार जाता है, वहाँ कई लोगों से काम मांगता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता है। निराश होकर घर वापस जा ही रहा था कि एक आवाज़ आई, अरे भाई मेरी मदद कर दो। राजू मुड़कर देखता है तो एक व्यापारी ढेर सारे पौधे रखकर उन्हें अपनी गाड़ी में रखवाने के लिए किसी मजदूर की तलाश में था। राजू तुरंत वहाँ पहुँचा। उस व्यापारी ने कहा, तुम मेरे ये सारे पौधे मेरी गाड़ी में रख दो, इसकी मजदूरी दे दूंगा। राजू तो इसी तलाश में था कि कोई काम मिले, वो तुरंत तैयार हो गया। देखते ही देखते राजू ने सारे पौधे थोड़ी ही देर में गाड़ी में रख दिया। राजू के काम से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजू को 300 रुपये मजदूरी और 200 रुपये जल्दी काम खत्म करने का इनाम दिया। राजू ने व्यापारी को बहुत धन्यवाद दिया और बताया कि व्यापारी की वजह से वह कांवड़ लेकर जल ले जा सकेगा। जब व्यापारी ने सुना कि राजू कांवड़ ले जाने वाला है, उसने और कुछ रुपये देते हुए बोला, मेरी तरफ से इन पैसों से गंगा माँ को प्रसाद चढ़ा देना। राजू बोला, ठीक है साहब चढ़ा दूंगा। राजू उन पैसों से कांवड़ का सामान खरीदता है और कुछ पैसे बचते हैं जिनका वह घर का राशन खरीद कर घर ले जाता है। कमला से सारी बातें बताता है और शेष पैसों को उसके हाथ में रखकर कांवड़ लेकर पैदल हरिद्वार निकल जाता है। कुछ दिन की पैदल यात्रा के बाद राजू हरिद्वार पहुंचता है। वहां गंगा स्नान करके पूजा आरती करता है, साथ में व्यापारी के दिए हुए पैसों से फूल माला खरीद कर गंगा माँ को चढ़ा देता है।
कावड़ के दोनों मटकों में पानी भरकर घर की तरफ से पैदल ही जय भोले बोल बम हर हर महादेव के नारे लगाते हुए आगे बढ़ता जाता है। रास्ते में वह देखता है कि एक बैलगाड़ी गड्ढे में फंसी हुई होती है, जिसका मालिक राजू को देख आवाज लगता है, अरे भाई मेरी बैलगाड़ी गड्ढे में फंस गई है जो निकल नहीं रही है, कृपया इसे निकालने में आप मेरी मदद कर दो। राजू अपनी कावड़ एक पेड़ पर टांग कर उसकी मदद में जुट जाता है। बहुत परिश्रम के बाद बूढ़े आदमी की बैलगाड़ी निकल जाती है। बूढ़ा आदमी उपहार के तौर पर राजू को एक झोले में ढेर सारे नारियल भी करता है। राजू खुशी खुशी उस झोले को लेकर वहां से चल देता है। राजू जल लेकर भोले बाबा के मंदिर गया और वहां जल चढ़ाया। पूरा परिवार मिलकर पूजा किया, प्रसाद लेकर घर आ गए। घर आने के बाद राजू सोचा उस व्यापारी को भी प्रसाद दे दे जिसने उसकी मदद की थी। कमला से यही बात बोलकर वो बाजार चला गया। वहां जाकर वो पौधों की दुकान ढूंढने लगा। उसे ठीक से याद था कि वो दुकान कहाँ थी, लेकिन वहां उसे कोई दुकान नहीं दिख रही थी। अंत में वहां के अन्य दुकानदारों से पौधों वाली दुकान के बारे में पूछा, लेकिन किसी को उस दुकान के बारे में कुछ नहीं पता था। सबने यही कहा कि आपको भ्रम हुआ होगा, यहाँ कोई पौधे की दुकान कभी भी नहीं थी। राजू पूरी तरह अचंभित रह गया। घर वापस आकर उसने सारी बातें कमला को बताया। कमला बोली, ये सब भोले बाबा की कृपा है, मुझे तो लगता है वो साधु जो भिक्षा मांगने आए थे वह भी किसी भगवान का रूप थे। बात करते करते कमला की नज़र उस झोले पर पड़ी। कमला ने राजू से उसके बारे में पूछा। राजू ने रास्ते की घटित सारी कहानी बताई। उन्हें भूख भी लगी थी। राजू नारियल झोले से नारियल निकाला और उन्हें फोड़ने लगा। अब जो हुआ उसे देखकर राजू और उसके परिवार के किसी सदस्य को विश्वास नहीं हो रहा था। नारियल फोड़ने पर उसके अंदर से सोने के ढेर सारे सिक्के निकल रहे थे। उसने सारे नारियल तोड़े, सभी नारियल में से सोने के ढेर सारे सिक्के मिले। पूरा परिवार बहुत खुश हुआ और भोले बाबा को धन्यवाद दिया। अब उनकी गरीबी दूर हो गई, उनका घर अन्न धन से भर जाता है। अब राजू प्रतिदिन अपनी पत्नी कमला और बच्चों के साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा आराधना करता है, उन्हें जल चढ़ाता है। इसी तरीके से भगवान भोलेनाथ ने राजू का उद्धार किया और उसका घर सुख समृद्धि से भर जाता है। ये सब देखकर राजू और कमला की आंखें खुशी से नम हो गई। अब उनका जीवन सामान्य हो गया। दोस्तों, मैं आपको एक और कहानी बताती हूँ जो कि एक सच्ची घटना पे आधारित है। गरीब बद्री की अमीर आस्था, लाठी को बनाया कांवड़। 70 की उम्र लाठी के सहारे चलने की होती है, मगर मध्य प्रदेश के शिव भक्त विधर ने इसे आस्था का पताका बना लिया है। गरीबी की मार में कांवड़ को पैसे नहीं जुटे तो लाठी को ही कांवड़ बना लिया। लाठी के दोनों सिरों पर गंगाजली पात्र लटकाकर वे आस्था के पथ पर बेधड़क बढ़े जा रहे। मध्य प्रदेश के जिला श्योपुर निवासी बद्री सिंह की भोलेनाथ में अपार आस्था है। वे 425 किलोमीटर दूर से सोरों के लहरा घाट पर कांवड़ भरने पहुंचे। भगवान शिव के जलाभिषेक के उत्साह में भरे वे गंगा घाट तक ट्रेन और बस का सहारा लेकर पहुंच गए, लेकिन यहां पता चला कि एक आकर्षक कांवड़ के लिए 2 से 5 हज़ार रुपये की जरूरत होती है। इतने रुपये उनके पास थे ही नहीं, ऐसे में उन्होंने आस्था की एक अद्भुत कांवड़ भरी, साथ लाए लाठी के दोनों सिरों पर गंगाजली पात्र बांधा और महादेव की जयकार कर पड़ाव की ओर बढ़ चले। वे जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उस पर उनकी अद्भुत भक्ति की ही चर्चा है। जब लोगों ने उनसे पूछा, बाबा आपने कौन सी मनौती मांगी है, तो बद्री सिंह ने बताया, उन्होंने कोई मनौती नहीं मांगी है। मनौती मांगने से तो आस्था में स्वार्थ हो जाता है, जिस आस्था में स्वार्थ हो वहां आनंद नहीं रहता। उनका कहना था कि वे बेहद गरीब हैं, वे पहले भी कांवड़ ले जाते थे, तब उनकी आर्थिक हालत इतनी खराब नहीं थी, अब बुढ़ापा और गरीबी के कारण ये रास्ता निकाला है। उनका कहना है कि भोलेनाथ की कृपा से उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। मेहनत मजदूरी कर 2 बेटे रोटी का इंतजाम करते हैं। ये पूछने पर कि उन्हें थकान नहीं होती, उन्होंने कहा, आस्था की राह में थकान नहीं आनंद है। दोस्तों, ये है बूढ़े बाबा की भगवान शिव के प्रति आस्था। इतने बूढ़े उम्र में भी उन्होंने कोई मनौती नहीं मांगी।
बस कहते हैं कि आस्था के राह में थकान नहीं आनंद है। व्यक्ति इतना हृष्ट पुष्ट और जवान होते हुए भी थक जाता है, लेकिन ये बाबा भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सब दुख दर्द भूल गए हैं और इतनी दूर की यात्रा पैदल तय कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप श्रद्धा से मिट्टी भी चढ़ाएंगे तो भगवान भोलेनाथ को सोने के समान लगेगा। तो दोस्तों, आपको इस बुरे बाबा की कहानी कैसी लगी? ऐसे भक्त के लिए उनके नाम पर कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय और हर हर महादेव जरूर लिखें। भटक भटक के मैं जग हारा, संकट में दिया ना कोई साथ, सुलझ गई हर एक समस्या, महादेव ने जब पकड़ा हाथ। ओम नमः शिवाय।